तो स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं आज आप लोग बताने वाला हूं कि ड्रीम इलेवन पे टीम लगाते हैं और आप पैसे हार जाते हैं और चाहते हैं आपकी ड्रीम इलेवन पर हम टीम लगा करके फर्स्ट रैंक ला करके 3 करोड़ रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जीत लूँ। भाई कैसे आप जीत पाएंगे, रिस्क कैसे लिया जाता है और किस प्लेयर पर रिस्क लिया जाता है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। 1 से 2 प्लेयर ड्रॉप करके और आप कम सिलेक्शन वाले अगर जो प्लेयर लेते हैं तो आप 1 नंबर रैंक पर आ सकते हैं। तो कैसे आपको निकालना है वह प्लेयर जो कम रैंक है और फर्स्ट रैंक पर जो है कि ला सकता है। तो भाई आपको पहले यह पता करना है कि बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, कौन सी टीम जीतती है, चेज करने वाली या पहले जो है कि बैटिंग करने वाली। भाई पहले मैं बता दे रहा हूँ, और जो आपको पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो भी प्लेयर करते हैं बैटिंग उनके बैटरों को आपको लेकर के चलना है और आपको जो है कि सेकंड पारी में एक किसी जो है कि पारी वाले यानी कि एक मैं ले लिया जैसे कि KKR का और दो ले लिया RR का, यानी कि फर्स्ट बैटिंग करने वाला RR है, मैं 2 लिया हूँ और 1 लिया हूँ जो है कि KKR का। तो ऐसे क्या करना है आपको, यहाँ से जो फर्स्ट बैटिंग करने वाली हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा बैटर ले लेना है और आपको क्या करना है, इधर से ऑलराउंडर और जो मिलते हैं आपको तो ऑलराउंडरों को आपको लेकर के चलना है जो अच्छे ऑलराउंडर हैं, और आपको बॉलिंग सेक्शन से मात्र 3 बॉलर लेना है और जो बैटिंग पिच है तो आपको कौन सा लेना है, जो सेकंड में बॉलिंग करते हैं उसे लेना है, फर्स्ट में जो बॉलिंग करते हैं ज़्यादा विकेट लेते हैं उसको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीतती है। तो आपको क्या करना है, जो सेकंड में बैटिंग करता है उसे आपको लेना है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं RR का जो है कि आप बैटर लिए हैं तो RR का आपको बॉलर भी ले करके चलना है, और एक बॉलर डिफेंट उधर से ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑलराउंडर उधर का है 2 तो रहने दें और आपको RR का जो है कि आपको बॉलर को ले करके चलना है। दोस्तों ऐसे टीम बनाना है, और आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन, भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन और जो है कि यहाँ से आपको क्या करना है, RR अगर जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो भाई इन लोगों को बैटरों को कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे बना करके चल सकते हैं, और KKR फर्स्ट बैटिंग कर रहा है तो इनमें से आप इन लोगों को जो है कि आपको दोनों को बना करके चल सकते हैं। बैटिंग पिच है और जो फर्स्ट बैटिंग करने वाला जीतता है तो, और सेकेंड बैटिंग वाला जीतता है तो आपको क्या करना है, ऐसे टीम को ऐसे आपको एक बार कन्वर्ट करना है, आपको फिर बैक जाना है और आपको ऐसे ही अपोजिट लगाना है टीम को, एक अपोजिट टीम को लगाना है, जैसे आपको जो कि चेज करने वाली टीम जीतती है तो आपको उनके हिसाब से लगाना है, चेज करने वाला मतलब कि जो फर्स्ट में सेकंड में और जो बैटिंग करती है और उसका जो है कि रन बनता है तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक को लेना है और इनमें से आपको जो है कि इनमें से बढ़ा लेना है, और यहाँ से भी इनमें से बढ़ा लेना है, और बॉलर जो है कि क्या करना है आपको इधर से नहीं लेना है, आपको चेज करने वाले में से आपको बॉलरों को लेकर के चलना है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन जो चेज कर रहे हैं उन लोगों को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके चलना है, जैसे कि ये चेज करने वाले हैं तो इन लोगों को बना करके ऑलराउंडर हैं तो चल सकते हैं, नहीं तो बैटर हैं तो बैटरों को भी ऐसे आप जो है कि लेकर के चल सकते हैं, ऐसे भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके चल सकते हैं दोस्तों, तब जा करके आप फर्स्ट रैंक जीत सकते हैं। तो आपका तरीका यह समझ में नहीं आया तो हमारे वीडियो को फिर से रिटर्न आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे दोस्तों, ऐसे फर्स्ट रैंक पे आने का यह तरीका है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।